हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आपका दोस्त रोहित आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो रीजनिंग का एक नया टॉपिक है। दो टॉपिक ऑलरेडी हम ख़त्म कर चुके हैं, एक रीजनिंग का नया टॉपिक हम लेके आए हैं। उस टॉपिक का नाम मैं लिख दूँ, टॉपिक का नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, आपको लगभग 2 से 3 क्वेश्चन बैंकिंग के क्लर्क हो, पीओ हो, एग्जाम में मिलते रहेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डायरेक्शन और डिस्टेंस। इसके पहले 2 टॉपिक हम कर चुके हैं, सिलॉग्स पढ़ चुके हैं हम, इनइक्वालिटीज पढ़ चुके हैं। रीजनिंग में एक चीज़ मैंने आपको पहले ही बताया था कि रीजनिंग हम इस तरीके से पढ़ने वाले हैं कि आपको बहुत ही कम टाइम में एक्यूरेट आंसर मिले। तो डायरेक्शन का जो टॉपिक है वो भी हम विदाउट यूजिंग पेन और पेपर ही सॉल्व करने वाले हैं, या फिर कह सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड लगेंगे आपको आंसर कैलकुलेट करने में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं क्लर्क के प्री लेवल से लेके मेंस के पीओ लेवल तक के क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करूं। और मैं आपसे बार बार ही कहता हूं कि क्लास में मैं उतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपको बाहर से कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप कल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, 10 दिन पहले से कर रहे हैं, या फिर 10-12 महीने से कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा क्लास करने के बाद डायरेक्शन और डिस्टेंस के टॉपिक में आपको कहीं भी रेसा भर भी डाउट नहीं आएगा, क्योंकि छोटी से छोटी चीज़ पे मैं फोकस करता हूँ, ताकि निचले पायदान पे खड़ा हुआ जो बच्चा है जिसको लगता है कि सर रीजनिंग बड़ा वीक है, उसे भी सब कुछ अच्छे से और क्लियर समझ में आए। और टॉपिक ख़त्म होने के बाद कभी भी अगर आपके सामने डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसे विद इन ए सेकेंड सॉल्व कर पाओ, ऐसी मेरी पूरी कोशिश रहेगी। क्लास में ही हम इतना ज़्यादा डिस्कशन कर लेंगे, इतने ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे कि बाहर से कुछ नहीं भी पढ़ोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि हर टॉपिक में हम करते हैं, तो सबसे पहले हम इस टॉपिक का एक बेस तैयार कर लेते हैं। मैं पूरा टाइम देता हूँ, बहुत स्लो चलता हूँ, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बेस जितना मजबूत रहेगा टॉपिक पे कमांड उतना ही तगड़ा रहेगा। तो पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक कंसेप्ट के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करें डायरेक्शन की, तो टोटल कितने डायरेक्शंस होते हैं, टोटल कितने डायरेक्शंस होते हैं, तो टोटल 8 डायरेक्शन होता है। इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, ऊपर होता है नॉर्थ और नीचे होता है साउथ। आपने टॉपिक पढ़ा हो, थोड़ा बहुत पढ़ा हो, कहीं से खुद से कोशिश करके पढ़ी हो, या फिर कभी नहीं पढ़ा हो, मेरी पूरी कोशिश रही है कि एक एक बच्चे को ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे बार बार कि मैं छोटी से छोटी चीज़ भी डिस्कस करता हूँ क्लास में, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में होता ऐसा है कि आप डाउट पूछने का टाइम नहीं निकाल पाते, या फिर डाउट पूछ नहीं पाता, या फिर कभी कभी हम अवेलेबल नहीं होते डाउट पूछने के लिए। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि डाउट आए ही ना, इसलिए एकदम बेसिक से बेसिक चीज़ भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। 0 लेवल से डिस्कशन हमारा शुरू होगा और धीरे धीरे लेवल कब बढ़ता चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बस फोकस होके बिल्कुल अच्छे से लिखने पे और समझने पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये 4 तो हमारे बेसिक डायरेक्शंस होते हैं। इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे क्या होता है, साउथ होता है। ठीक है, अब किसी भी 2 बेसिक डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बनता है वो बनता है 90 डिग्री का भाई। ठीक है, कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा।
तो 90 डिग्री इधर भी, 90 डिग्री इधर भी, 90 डिग्री इधर भी, 90 डिग्री, मतलब अगर आप क्लॉकवाइज घूमेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो टोटल कितना डिग्री घूम जाते हो, टोटल कितना डिग्री घूम जाते हो, 360 डिग्री। आई बात समझ में? अच्छा, उसके अलावा चार और डायरेक्शन होते हैं, जैसे इस कॉर्नर में नॉर्थ ईस्ट बन जाता है, ठीक है, इस कॉर्नर में बन जाता है साउथ ईस्ट, इस कॉर्नर में बन जाता है साउथ वेस्ट, और इधर बन जाता है नॉर्थ वेस्ट। तो चार और डायरेक्शन हमने जोड़ लिए, ठीक है, दो बेसिक डायरेक्शन के बीच में जो डायरेक्शन आएगा, चार हमने वो भी देख लीजिए। अच्छा ठीक है, अगर डिग्री वाइज हम समझ रहे हैं तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि बेसिक डायरेक्शन के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये वाला जो एंगल छोटा छोटा बनेगा वो कितने का बनेगा भाई, 45 डिग्री, ठीक है, ये जो छोटे छोटे एंगल बन रहा है वो कितने कितने डिग्री के बन रहा है, 45 डिग्री। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? तो ये तो आठ बेसिक डायरेक्शंस हैं, ठीक। जब हम डायरेक्शन का टॉपिक पढ़ते हैं तो कुछ टर्मिनोलॉजी बार बार यूज होती हैं, जैसे टर्न राइट, ठीक, या फिर बोल दिया जाएगा टर्न लेफ्ट, ठीक। अक्सर यही दो टर्मिनोलॉजी होती है कि राइट में चले जाओ, लेफ्ट में चले जाओ। अब एक सिंपल सी चीज आपको समझा रहा हूं मैं कि हमारे लिए अभी सबसे ज्यादा आसान राइट और लेफ्ट क्या है, ये वाला मेरा राइट है और इधर वाला क्या है, मेरा लेफ्ट है, ठीक है। तो जब आप पढ़ते हो, एग्जाम देते हो, आपका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है, आपका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ है, तो आपके इस साइड में, आपके राइट में राइट बनेगा और आपके लेफ्ट में क्या बनेगा, लेफ्ट बनेगा। हम या फिर मोस्टली स्टूडेंट इसी से कंफर्टेबल होते हैं कि सर नॉर्थ में हमारा फेस है तो राइट में राइट बनेगा और लेफ्ट में क्या बनेगा, लेफ्ट बनेगा। अगर मैं कहूं आपसे कि आपका फेस साउथ में है, साउथ का मतलब नीचे की डायरेक्शन में आपका फेस है, बताओ राइट किधर है, तो आप ऐसा थोड़ी करोगे कि चलो यार ऐसे घूम जाते हैं साउथ की तरफ, ऐसे साउथ की तरफ घूम गए, अब सर इधर राइट आ गया है और इधर लेफ्ट आ गया है। आपके हिसाब से आप बोलोगे सर अब इधर राइट आ गया है, इधर क्या आ गया है, लेफ्ट आ गया है, ठीक है। मैंने बोला कि आप फेस कर रहे हो ईस्ट की तरफ, ये हो गया ईस्ट, बताओ राइट किधर है, लेफ्ट किधर है, तो आप ऐसे घूम गए कि इधर ईस्ट है, अब इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा, मतलब नीचे क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, लेफ्ट आएगा। मैंने बोला कि यार आपका फेस वेस्ट डायरेक्शन में है, वेस्ट में, बताओ राइट लेफ्ट किधर है, अब आप बोलो सर ऐसे घूम जाते हैं, हाँ हाँ ये सर सही पोजिशन है, एक काम करते हैं ऊपर राइट होगा नीचे लेफ्ट होगा, तो आपने इधर लगा दिया कि ऊपर राइट है और नीचे क्या है, लेफ्ट है। यार ये कब तक चलेगा, आसान तो है लेकिन मेरी क्लास में मैं आसान चीज़ों के बारे में बात नहीं करता भाई, आसान तो खाना खाना भी है, तो 50 किलो एक साथ खा के बताओ आसान तो चलना है, 400 किलोमीटर चल के बताओ, आसान तो गाना गाना है, सोनू निगम जैसा गा के बताओ। तो हम आसान चीज़ों की बात नहीं कर रहे, ये तो करना बड़ा आसान है। मैंने बोला ओह साउथ में फेस करके लेफ्ट राइट बताओ, साउथ में घूम गए तुम, अरे एग्ज़ाम में बैठे हो तो कहाँ साउथ में जाओगे। हमारे लिए सबसे कंफर्टेबल यही है कि नॉर्थ में फेस है ऐसे, राइट लेफ्ट इधर है हमारा, बाकी किसी भी डायरेक्शन में आठ में से नॉर्थ को छोड़ के बाकी चार डायरेक्शन में राइट और लेफ्ट में जब तक कंफर्टेबिलिटी नहीं आएगी, मतलब विद इन अ सेकेंड डिसाइड कर दो इधर राइट है इधर लेफ्ट है, तब तब डायरेक्शन में प्रॉब्लम आएगी। तो जो फेस के हिसाब से इधर राइट है इधर लेफ्ट है ये डिसाइड करना हमारा काम नहीं है। तो एक काम करते हैं कि राइट और लेफ्ट के लिए, राइट और लेफ्ट के लिए कुछ अलग पैरामीटर सेट करते हैं। क्या करते हैं हम, राइट और लेफ्ट के लिए कुछ अलग पैरामीटर सेट करते हैं कि आप चाहे जिस डायरेक्शन की बात करो वहां से तुरंत राइट क्या है, वहां से तुरंत लेफ्ट क्या है, वो आपको पता चल जाना चाहिए। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं कि
कि आसान आपके लिए क्या है उस पर फोकस नहीं करना है। आसान तो मैं बनाऊंगा, आपके लिए जो सबसे ज़्यादा फास्ट है, जो सबसे ज़्यादा जल्दी आंसर देता है, उसी पे फोकस करना है। तो अगर आप अभी भी डायरेक्शन के हिसाब से मूव करके पता लगा रहे हो कि इधर राइट है इधर लेफ्ट है, तो मामला गड़बड़ है मेरे दोस्त। तो राइट और लेफ्ट का एक परमानेंट जुगाड़ बना लेते हैं। क्या करते हैं? राइट और लेफ्ट का एक परमानेंट जुगाड़ बना लेते हैं। आइए चलते हैं आगे। राइट और लेफ्ट का एक परमानेंट जुगाड़ बनाते हैं, ठीक है। वो परमानेंट जुगाड़ क्या है पता है? जब भी आपसे बोला जाएगा टर्न राइट, तो टर्न राइट का मतलब होता है आपको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाना है, क्लॉकवाइज घूम जाना है। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको कन्फ्यूज़न है बिल्कुल चिंता मत करो यार, अब तो शर्म की भी बात नहीं है ना। मैं पूछूं ऐसा थोड़ी पूछ सकता हूँ, बताओ किसको किसको पता है, आप तो सामने भी नहीं हो। तो नहीं पता है तब भी अच्छी बात है, पता है तब भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं राइट घूमने की बात करूँ तो आपको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है। क्लॉकवाइज का मतलब सीधा घूमना होता है, सीधा घूमना, ठीक है। साइकिल जैसी चलती है ना सीधा, फिर घड़ी जैसा चलती है ना, सीधा घूमना मतलब राइट, राइट बोल दिया मतलब सीधा घूम जाओ, ठीक। अब उसको डायरेक्शन के हिसाब से ज़रा प्रैक्टिस करो, ज़रूरी है डायरेक्शन के हिसाब से। मैंने बोला ना कि इसकी प्रैक्टिस, राइट और लेफ्ट जाने की प्रैक्टिस कितनी फास्ट है उसी पे आपका डायरेक्शन टॉपिक डिपेंड करता है। 8 डायरेक्शन है हमारे पास, 8 डायरेक्शन है, हमको हर डायरेक्शन से राइट घूमना है। मैंने क्या बोला? हर डायरेक्शन से 90 डिग्री पे राइट घूमना है। नॉर्थ पे हो मान लो, नॉर्थ से देखो एक बेहतरीन डायग्राम बनेगा और घूमता हुआ नजर आएगा। मैं बनाऊंगा, मेरे साथ साथ बनाओ। नॉर्थ से शुरू करते हैं, नॉर्थ से राइट जाने का मतलब 90 डिग्री इधर चले जाओगे ऐसे, ठीक। नॉर्थ ईस्ट में हो, राइट जाने का मतलब समझना, राइट जाने का मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि राइट जाने का मतलब इधर चले जाओ, नहीं 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 भाई, ये कितना डिग्री घूम गए हो पता है? ये सिर्फ 45 डिग्री है, 90 डिग्री घूमना है क्लॉकवाइज। 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमने का मतलब ऐसे 90 डिग्री बनेगा ऐसे, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री राइट घूमने का मतलब ऐसे घूमोगे, ईस्ट से राइट घूमने का मतलब 90 डिग्री इधर घूम जाओगे, साउथ ईस्ट से राइट घूमने का मतलब 90 डिग्री इधर घूम जाओगे, साउथ से राइट घूमने का मतलब 90 डिग्री इधर आ जाओगे, साउथ वेस्ट से राइट घूमने का मतलब 90 डिग्री इधर जाओगे, ठीक है। ये 90 डिग्री ही होना चाहिए। वेस्ट से राइट घूमने का मतलब 90 डिग्री ऊपर जाओगे, और लास्ट वाला बचा नॉर्थ वेस्ट से राइट घूमने का मतलब 90 डिग्री इधर जाओगे। इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब आप बड़े ध्यान से देखो, मान लो कि ये एक चक्री है और ये घूम रही है। कैसे घूम रही है भाई, ज़रा ध्यान से चेक करो, एरो का डायरेक्शन चेक करो, कैसे घूम रही है ये? क्लॉकवाइज घूम रही है। कैसे घूम रही है? क्लॉकवाइज घूम रही है। इसकी प्रैक्टिस होना बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसकी प्रैक्टिस देखो ऐसे भी कर सकते हो, नॉर्थ चलो और राइट 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 घूमते चले जाओ। जैसे नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हो, यहाँ से शुरू किया नॉर्थ में जा रहे हो, राइट घूम जाओ इधर, फिर से 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 राइट घूम जाओ, फिर से राइट घूम जाओ, राइट राइट घूमते जाओ, राइट राइट घूमते जाओ, राइट राइट घूमते जाओ, ठीक है। जितना राइट घूम सकते हो घूमते जाओ, राइट राइट घूमते जाओ। इसकी प्रैक्टिस तगड़ी करो। ये भी चेक करो कि ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन में हम राइट राइट घूम रहे हैं, क्लियर है। इसकी प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा ना कि राइट और लेफ्ट में बहुत फास्ट होना चाहिए, बिल्कुल क्विक होना चाहिए कि राइट क्या तुरंत क्लॉकवाइज घूम जाओ। आई बात समझ में? कभी भी मूव करके, इमेजिन करके, बुक को फोल्ड करके, बुक को इधर उधर ले जाके राइट लेफ्ट डिसाइड कर रहे हो, मतलब बाकी लोगों के स्पीड से स्लो सोच रहे हो। हमें अपने थॉट्स को बहुत फास्ट करना है। आई बात समझ में? तो हम सिर्फ अभी बेस तैयार कर रहे हैं भाई, हम चीज़ों को आसान बनाने के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं। राइट लेफ्ट बताना बड़ा आसान है, आप चाहे जिधर जाओगे ना राइट लेफ्ट बढ़ाना बड़ा आसान है, फास्ट होना ज़रूरी है। जैसे मैंने बोला कि साउथ ईस्ट में खड़े हो राइट घूम जाओ, अब तुम कहाँ खोजोगे कि पहले साउथ ईस्ट में चलो फिर राइट लेफ्ट डिसाइड करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है।
तो जब भी राइट घूमने की बात की जाएगी तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमोगे। देखो ये इमेजिन करो कि ये राइट घूम रहा है सीधा, ये भी राइट 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 घूमते हुए आ रहा है, राइट हमेशा राइट घूम रहा है, हर डायरेक्शन से राइट घूमने की आपकी प्रैक्टिस हो रही है। आई बात समझ में? वैसे ही बच्चों, अगर आप भी बैंक, एसएससी या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप मैथ्स और रीजनिंग के हर क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड में सॉल्व कर पाएं, आप अगर चाहते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन आपका बहुत स्ट्रांग हो जाए, आप अगर चाहते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग का आपका स्कोर अच्छा खासा हो जाए और मैथ्स और रीजनिंग बिल्कुल जीरो से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ना चाहते हैं, तो बच्चों आज ही प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है एप्टीट्यूड मैटर्स। बच्चों वहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग की कुछ क्लासेस मैंने फ्री में रखी हुई हैं, आप देखिए और आज ही हमसे जुड़िए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे ही अगर मैं लेफ्ट घूमने की बात करूँ, तो लेफ्ट की भी जरा प्रैक्टिस कर लीजिए। चल लेफ्ट की प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में कह दिया गया कि टर्न लेफ्ट, तो टर्न लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या? क्लॉक के डायरेक्शन से उल्टा घूमना है, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में घूमना है। जरा उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं भाई, 8 डायरेक्शन से उसकी प्रैक्टिस कर लो, बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। मैं फिर से बता रहा हूँ, हम चीज़ों को आसान बनाने के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं, आसान तो है, चीज़ों को क्विक बनाना है, तुरंत। मतलब साउथ ईस्ट में खड़े हो, राइट बोला, तुरंत डायरेक्शन आना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट में खड़े हो, तुरंत राइट जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो पहले नॉर्थ वेस्ट में चलते हैं, वहां जाके देखेंगे कि राइट कहाँ है लेफ्ट कहाँ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं वो रविश कुमार वाला डायलॉग आ जाएगा कि क्या फर्क पड़ता है आप चाहे जहां खड़े हो, लोगों को तो नौकरी से मतलब है, आखिर सरकार ऐसा क्यों करती है कि उनको राइट और लेफ्ट में उलझा रही है, डर का माहौल है, यो ब्रो। इससे तो काम नहीं चलेगा ना, सीखना पड़ेगा भाई। चलो अब सिर्फ लेफ्ट घूमने की प्रैक्टिस करनी है। लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, नॉर्थ से घूम जाओ लेफ्ट में इधर आओगे, नॉर्थ वेस्ट से लेफ्ट 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री इधर आ जाओगे। वेस्ट से लेफ्ट घूमने का मतलब 90 डिग्री इधर, साउथ वेस्ट से 90 डिग्री इधर आ जाओगे, साउथ से 90 डिग्री लेफ्ट का मतलब इधर आ जाओगे, साउथ ईस्ट से लेफ्ट जाने का मतलब 90 डिग्री इधर, ईस्ट से लेफ्ट जाने का मतलब 90 डिग्री इधर, और नॉर्थ ईस्ट से लेफ्ट जाने का मतलब 90 डिग्री इधर। तो आप बड़े ध्यान से चेक करो कि ये एक तरीके की चक्री है, एक तरीके का व्हील है जो कैसे घूम रही है, उल्टा घूम रही है। आपका इमेजिनेशन थोड़ा अच्छा रखो, इमेजिन करो ये उल्टा घूम रही है, कल्पना करो। कल्पनाओं की दुनिया बड़ी अच्छी होती है, कभी कभी कल्पनाएं अच्छी होती हैं लेकिन कभी कभी बड़ी तकलीफ देती हैं। अगर कल्पना ये कर लेते हो कि हाँ मेरा पीओ में सिलेक्शन हो रहा है, कितना मज़ा आ रहा है, 2 साल बाद ब्रांच मैनेजर बन जा रहा हूँ, ब्रांच में मज़े कर रहा हूँ, घुस पानी आ रहा है, ये कल्पना नहीं करना है। कल्पना ये करो कि जिससे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है, उल्टा घूम रहा है, उल्टा घूम रहा सब कुछ, समझो इसे। इसकी प्रैक्टिस और अच्छे से करनी हो तो ये वाला काम कर लो, नॉर्थ में जाओ और लेफ्ट लेफ्ट घूमते चलो, इधर लेफ्ट घूम जाओ, इधर लेफ्ट घूम जाओ, इधर लेफ्ट घूम जाओ, इधर लेफ्ट घूम जाओ, सिर्फ लेफ्ट लेफ्ट घूमने की प्रैक्टिस करो, सिर्फ लेफ्ट लेफ्ट घूमने की प्रैक्टिस करो, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट लेफ्ट घूमने की प्रैक्टिस करो। जब लेफ्ट लेफ्ट घूमने की प्रैक्टिस करोगे तब मज़ा आएगा, तब मज़ा आएगा भाई। जब लेफ्ट घूमने की प्रैक्टिस बहुत तगड़ी हो जाती है ना तो बहुत ही मज़ा आता है। ये हो गया, आप इसे भी देखोगे तो ये उल्टा घूम रहा है, ठीक है। तो जब भी राइट लेने को बोलेगा तो 90 डिग्री सीधे घूम जाओ क्लॉकवाइज, और जब भी लेफ्ट बोलेगा तो 90 डिग्री क्या घूम जाओगे, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओगे। ये तो कुछ बेसिक टर्म हो गए डायरेक्शन के बारे में, ठीक है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हर एग्जाम में आता है, बैंकिंग में भी आता है, एसएससी में भी आता है, रेलवे में भी आता है, बाकी वनडे के जितने भी एप्टीट्यूड एग्जाम हैं हर जगह आता है, प्राइवेट कंपनी की प्लेसमेंट में आता है,
उसके बाद जो स्टेट सिविल सर्विस की एग्ज़ाम है उसमें भी आता है। तो डायरेक्शन और डिस्टेंस मेरे दोस्त इस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं कि डायरेक्शन और डिस्टेंस किसी भी एग्ज़ाम में आ जाए, किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो स्टेट सिविल सर्विस एग्ज़ाम हो, एमपीएससी का एग्ज़ाम हो, यूपीपीएससी का एग्ज़ाम हो, या फिर किसी और स्टेट के पीएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, चाहे जहाँ हो, कोई भी क्वेश्चन अगर डायरेक्शन का आ जाता है तो आप कर ही लोगे। मैंने बोला ना कि मेरा जो क्लास है ना भाई, मेरे क्लास में मैं हर टॉपिक का कंप्लीट डोज देता हूँ, क्योंकि आधा अधूरा पढ़ा के ना मेरा फ़ायदा होना है ना तो तुम्हारा फ़ायदा होगा, एक साल बाद गालियाँ देते नजर आओगे कि कहाँ से उससे पढ़ लिया। इसलिए हर कंसेप्ट बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ मैं। आगे चलते हैं चीज़ों को लेके कि भाई इसकी प्रैक्टिस हमारी हो गई। डायरेक्शन और डिस्टेंस में टोटल 7 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने टाइप के? 7 टाइप के। उस 7 टाइप में से यकीन मानिए सिर्फ एक टाइप ऐसा है जिसमें आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी कहीं भी कोई डायग्राम बनाना ही नहीं है। विद इन 10 सेकेंड हर क्वेश्चन का आंसर आप निकाल लोगे। थोड़ा सा पेशेंस रखो बस। एक एक टाइप आगे लेके चलते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले डायग्राम से बताऊंगा, उसके बाद विदाउट डायग्राम 10 सेकेंड में कैंसर आंसर निकालोगे वो बताऊंगा, ठीक है? तो सबसे पहले टाइप वन का जरा क्वेश्चन मेरे साथ लिख दीजिए, क्योंकि पहला क्वेश्चन है, ठीक है? टाइप वन करना है हमको। टाइप वन का पहला क्वेश्चन मैं लिखवा देता हूँ आपको, लिख लीजिए। मेरे साथ लिखते रहेंगे ना तो क्लास इंटरेक्टिव लगता रहेगा। मैं चाहता तो टाइप करके ला सकता था, लेकिन इंटरेक्टिव नहीं होता वो। ज़रा क्वेश्चन मेरे साथ लिखिए। क्वेश्चन में है, सुन के भी लिख सकते हैं, कि अ पर्सन गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ, लिखिए, अ पर्सन गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ, लिख लीजिए। आप इस कन्फ्यूजन में मत रखिए कि सर कितना क्वेश्चन लिखवाएंगे। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ लिख लीजिए तो लिख लीजिए, किसी रीज़न की वजह से बोल रहा हूँ मैं, लिख लीजिए, पर्सन गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ। लिखिए, आफ्टर वॉकिंग 100 meter, he turns to right. He turns to right and walk 50 meter. उसके बाद लिखिए, again he turns to his right and walk 100 meter, ठीक है? And finally he turns to his left, and लिख लीजिए, क्वेश्चन बस एक बार मुझे कंफर्म कर लेने दीजिए। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड मूव 100 meter एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड मूव 50 meter, ठीक है? आपसे पूछा गया, नाउ इन विच डायरेक्शन
इज ही फेसिंग नाउ इन विच डिरेक्शन इज ही फेसिंग इज ही फेसिंग बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब भी मैं टॉपिक शुरू करता हूं ना तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से शुरू करता हूं कि पहले क्वेश्चन में आप वो सारी चीजें समझ लो, आप वो सारी चीजें कैलकुलेट करने की आदत डाल लो जहां से हमें शुरुआत करना है। देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, एक चीज याद रखो, जब आपको क्वेश्चन ये देख के समझ में आए ना कि यार क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तो अपने आप से पूछो कि कितना सिंपल है। क्या क्वेश्चन इतना सिंपल है कि एक सेकेंड में हो सकता है? लॉजिक है। क्या क्वेश्चन इतना सिंपल है कि दो सेकेंड में हो सकता है? सिंपल वो नहीं होता ना कि जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा दे दिया, हाँ सर ये करने में बड़ा मास्टर हूँ मैं। ये क्वेश्चन सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसका आंसर निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आंसर सबसे ज्यादा फास्ट निकालना यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज कि टाइप वन में क्या पूछा जा रहा है, टाइप वन में पूछा जाता है कि कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है या फिर कौन से डायरेक्शन में मूविंग है। टाइप वन में क्या पूछा जाता है? टाइप वन में पूछा जाएगा कि कौन से डायरेक्शन में फेसिंग है या फिर कौन से डायरेक्शन में क्या है, मूविंग है। तो पहला मेथड, कुछ डायग्राम मास्टर होते हैं, ठीक है, कुछ डायग्राम मास्टर होते हैं जो अपने दिमाग की सुनते हैं, हमेशा बोलते हैं ओ आया डायग्राम बना दो। अरे भाई डायग्राम बना तो दोगे, लेकिन अगर तुम्हारे बाजू वाला बिना डायग्राम के आंसर निकाल सकता है तो तुम बहुत बड़ी 30 मार खा तो हो नहीं ना। ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम डायग्राम बना के 10 सेकंड में निकाल रहे हो, वो बिना डायग्राम के 2 सेकंड में निकाल रहा है, तो सिलेक्शन तो उसका होना है। तो इन चीज़ों पे मत जाओ कि सर ये आसान है मैं ये कर सकता हूँ, उसके पीछे भागो कि एक्यूरेट आंसर सबसे फास्ट कहाँ मिलेगा, क्योंकि सिलेक्शन तो वही करवा रहा है ना भाई। सबसे फास्ट कौन दौड़ सकता है, उसी की रेस है। यहाँ वो रेस नहीं कि आंसर निकाल दो, आंसर निकालने का रेस नहीं भाई, जितना तेज दौड़ोगे ना भाई, जितना तेज दौड़ोगे उतने ही चांस है सिलेक्शन के। तो हमें फास्ट चाहिए, मैंने बोला ना इजी है, फास्ट कितना हो सकता है समझो। ये क्वेश्चन पहले तो डायग्राम से ड्रॉ करवाऊंगा मैं, क्योंकि डायग्राम आपको पता होना चाहिए, उसके बाद विदाउट डायग्राम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के दिखाऊंगा। पहले डायग्राम, जो डायग्राम मास्टर है वो जरा डायग्राम देख लें, दोनों समझना जरूरी है। क्वेश्चन में कहा गया है पर्सन गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ में जा रहा है, 100 मीटर चलने के बाद ही टर्न टू राइट। समझो मेरी बात को, नॉर्थ में ऐसे जा रहा है, ठीक है, नॉर्थ में 100 मीटर चलता है, उसके बाद राइट ले लेता, राइट मतलब इधर आ गया क्लॉकवाइज सीधा, मैंने बोला ना राइट का मतलब क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम गया, ठीक है, एंड वॉक 50 मीटर, तो 50 मीटर चला वो। अगेन ही टर्न टू हिज राइट, अब यहां से राइट लेगा मतलब सीधे घूमेगा ना, सीधे ऐसे होता है, हर जगह से ना ऐसे हाथ घुमा लिया करो, ऐसे घुमाने का मतलब नीचे आना है 90 डिग्री, और कितना चलना है, राइट एंड वॉक 100 मीटर, फिर से राइट लेगा तो 100 मीटर चलना है। ध्यान देना, 100 मीटर जब आप चलोगे ना, ये भी 100 मीटर का डिस्टेंस है, तो ऑब्वियस सी बात है इधर एकदम एग्जैक्टली अपोजिट में आके रुकोगे, ये वाला 100 है, इसी से कंपेयर करते चलो, ये 100 है तो ये भी 100 चल रहा है, एकदम ठीक इसके सामने आके रुक गया, ठीक। उसके बाद एंड फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट, यहां से लेफ्ट का मतलब, लेफ्ट का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा घूम जाओ 90 डिग्री, उल्टा घूमने का मतलब लेफ्ट में किधर, इधर जाओगे, और इधर कितना चल रहे हो भाई, 50 मीटर, 50 मीटर। इतना ड्रॉ करने के बाद आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा डायरेक्शन फेस कर रहा है, तो ज़रा बताओ आपका फेस कौन से डायरेक्शन में है, वो तो ईस्ट में है सर, वो तो ईस्ट में है। अरे यार तो भाई जब तेरे को फेसिंग और मूविंग ही पूछना था तो ये 100 मीटर 50 मीटर 50 मीटर 50 मीटर का इसका मैं क्या करूँगा, कोई मतलब नहीं है। तो जब भी आपको डायरेक्शन का क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले आप ये देखा करो कि लास्ट में क्या पूछ रहा है। अगर लास्ट में फेसिंग
और मूविंग पूछ रहा है, पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ या फिर मूविंग नाउ। तो दिमाग को एक ऑर्डर दो कि डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, बिना डायग्राम के आंसर निकालूंगा, समझना बड़े ध्यान से। उसने शुरू कहाँ से किया था भाई, उसने शुरू कहाँ से किया था, नॉर्थ से। कहाँ से शुरू किया था उसने, नॉर्थ से, ठीक है। कहाँ से शुरू किया था भाई उसने, नॉर्थ से। हमको डिस्टेंस से मतलब ही नहीं है, क्योंकि मूविंग फेसिंग पूछ रहा है तो डिस्टेंस लेके क्या करोगे भाई, अचार डालोगे, नहीं ना। नॉर्थ से शुरू कर रहा है, कहाँ कहाँ गया, 100 मीटर जाने के बाद राइट गया वो, राइट गया मतलब राइट लिख लो, ठीक है। उसके बाद 50 मीटर चलने के बाद फिर से राइट गया, तो फिर से राइट लिख लो। उसके बाद 100 मीटर चला और फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट में गया, लेफ्ट लिख लो। अब पूछ रहा है कि बताओ कौन से डायरेक्शन में फेसिंग मूविंग है। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, समझना। मेरा फेस अगर सीधे है, मैंने बोला एक बार राइट लो तो मैं राइट ऐसे घूम जाऊंगा, और मैंने बोला कि अब लेफ्ट ले लो तो लेफ्ट मैं ऐसे घूम जाऊंगा, तो मैं जहां था वहीं आ गया ना। इसका मतलब ये है कि एक बार राइट और एक बार लेफ्ट लेने का मतलब क्या होता है, नो चेंज। क्या होता है, नो चेंज होता है। एक बार राइट एक बार लेफ्ट का लेने का मतलब नो चेंज होता है, यानी एक बार राइट एक बार लेफ्ट से कैंसिल हो जाता है, याद रखो। तो एक बार राइट एक बार लेफ्ट से क्या हो गया भाई, कैंसिल हो गया। एक बार राइट एक बार लेफ्ट से कैंसिल हो गया, बचा क्या, नॉर्थ, नॉर्थ से राइट। तो जरा बताओ, नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर है, नॉर्थ से राइट मतलब क्या है, नॉर्थ से राइट मतलब इधर, कौन सा फेस है भाई, ईस्ट है। नॉर्थ से राइट मतलब क्लॉकवाइज सीधे घूम जाओ, ईस्ट है, मतलब आप कौन सा डायरेक्शन फेस कर रहे हो, ईस्ट फेस कर रहे हो, यानी डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। आई बात समझ में। तो जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले क्या देखोगे कि क्या पूछ रहा है। अगर फेसिंग और मूविंग पूछ रहा है तो टेंशन फ्री हो जाओ कि यार डायग्राम ड्रॉ करना ही नहीं है। 7 टाइप में से सिर्फ एक टाइप ऐसा है जहां कहीं कहीं डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो बिना डायग्राम के ही आपको हर आंसर कैलकुलेट करना बताऊंगा मैं। आई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो क्वेश्चन में इतना डिटेल में नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ लिख दूंगा कि कहां से चलता है, कितना राइट लेता है, कितना लेफ्ट लेता है। आई बात समझ में। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा भाई, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, बड़े ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर टू पूरा क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा हूं, सीधा सीधा डायरेक्शन दे रहा हूं मैं आपको कि एक आदमी साउथ में चलना शुरू करता है, उसके बाद वो राइट जाता है, लेफ्ट जाता है, लेफ्ट जाता है और राइट जाता है। बताओ कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, एक आदमी नॉर्थ ईस्ट में जा रहा था और नॉर्थ ईस्ट में जाते जाते उसने राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, बताइए कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। अच्छा एक एक जगह मैं डायरेक्शन भी ड्रॉ कर लेता हूँ भाई, ठीक है, डायरेक्शन ड्रॉ करके रख लेता हूँ ताकि आपको समझाने में थोड़ी आसानी हो, ठीक। ये है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। इधर कॉर्नर में चिपका देता हूँ इसको भाई मैं, ठीक है, जरूरत पड़ने पे इसका यूज करेंगे। दो क्वेश्चन है बताइए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि लास्ट में तो आपको फेसिंग और मूविंग ही पता करना है ना, क्या आंसर आएगा समझिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि आदमी साउथ से जा रहा था, अब एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल हो गया, वैसे ही एक लेफ्ट एक राइट कैंसिल हो गया, बचा क्या, कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा मतलब जहां से शुरू कर रहा था ना वो, उसी डायरेक्शन में वो वापस जा रहा है, मतलब अभी भी उसका डायरेक्शन क्या है, साउथ है। कुछ डायग्राम ड्रॉ करना नहीं है, कुछ डायग्राम ड्रॉ करना नहीं है। थर्ड वाले पे आओ, क्वेश्चन नंबर 3, कि नॉर्थ ईस्ट से जा रहा था वो,
पहले राइट गया, फिर लेफ्ट गया, फिर लेफ्ट गया, फिर राइट गया, फिर लेफ्ट गया, मतलब एक राइट, एक लेफ्ट, एक लेफ्ट, एक राइट, क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या, नॉर्थ ईस्ट से लेफ्ट। अब जरा देखो नॉर्थ ईस्ट कहाँ है भाई, ये वाला नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट से लेफ्ट का मतलब किधर जाओगे, 90 डिग्री उल्टा जाओगे ना, इस डिरेक्शन में आपका ये नॉर्थ ईस्ट है, इस कॉर्नर में। अब 90 डिग्री लेफ्ट जाना मतलब ऐसे चले जाओगे, तो जरा बताओ ऐसे क्रॉस वाला डिरेक्शन कौन सा है, ऐसा क्रॉस वाला डिरेक्शन कौन सा है भाई, ये क्रॉस वाला डिरेक्शन कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट है। क्या है वो, नॉर्थ वेस्ट। ऐसे क्रॉस में क्या आता है, नॉर्थ वेस्ट। ये सारे डायरेक्शन रट होने चाहिए भाई, रटे होने चाहिए दिमाग में, बिल्कुल दिमाग में बैठा होना चाहिए। अगर मैं बोलूं कि भाई साउथ से लेफ्ट चले जाओ तो वो सोचना नहीं पड़ेगा, डायग्राम ड्रॉ नहीं करने की जरूरत पड़नी चाहिए आपको कि पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो, नहीं भाई, दो क्वेश्चन आएगा, दो में डायग्राम ड्रॉ करोगे भाई टाइम चला जाएगा आपका, एक एक दो दो सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, यही एक दो सेकेंड ना कम पड़ जाता है तो आपका पेपर सबमिट होने से रह जाएगा, क्वेश्चन टिक होने से रह जाएगा, एक मार्क्स अगर चला गया तो सिलेक्शन अगले साल तक खिसक सकता है, इसलिए एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। तो ये डायग्राम दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए, एक एक डायरेक्शन दिमाग में बिठा लो भाई। जैसे मैं बोलूं कि नॉर्थ ईस्ट से लेफ्ट घूम जाओ तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ओहो नॉर्थ ईस्ट ऐसा क्रॉस में है, लेफ्ट घूमने का मतलब इधर, ये वाला डायरेक्शन क्या, नॉर्थ वेस्ट बन जा रहा है। आई बात समझ में, तब तो डायरेक्शन बहुत फास्ट पढ़ोगे, बाकी बच्चों जैसा बिल्कुल मत करो। बाकी बच्चे यही करते हैं कि यार आसान तो है, मैं समझा रहा हूँ, आसान के पीछे नहीं भाग रहे हैं हम उसके पीछे भाग रहे हैं जो सबसे फास्ट आंसर देगा। आई बात समझ में, आसान तो है कि पेपर में बनाने में सर क्या जाता है, बना तो लेंगे भाई, जाता कुछ नहीं है, सिलेक्शन चला जाता है, टाइम चला जाता है, इसे समझना होगा, आसान के पीछे नहीं भागो। इतना ही आसान है तो दिमाग में बिठा लो ना, इतना ही आसान है तो लिखते क्यों हो, दिमाग में बिठा लो, सिंपल सी चीज़ है। पेन तेज चलता है कि दिमाग तेज चलता है, ऑब्वियस सी बात है सर दिमाग तेज चलता है, तो दिमाग तेज चलाओ ना, पेन क्यों चला रहे हो। अगर आसान है तो दिमाग ही में बिठा लो, इससे ज़्यादा आसान क्या हो सकता है, समझ रहे हो। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ध्यान से क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन में है कि एक आदमी नॉर्थ में जा रहा था, वो राइट गया, फिर से राइट गया, फिर से राइट गया और उसने लेफ्ट लिया, बताइए कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, एक आदमी नॉर्थ ईस्ट में जा रहा था, उसके बाद वो लेफ्ट गया, लेफ्ट गया, राइट गया और लेफ्ट गया, बताइए कौन से डायरेक्शन में अभी वो मूव कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, एक आदमी ईस्ट में चल रहा था, वो 3 बार राइट गया, बताइए कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, एक आदमी साउथ वेस्ट में जा रहा था, वो 3 बार लेफ्ट गया, बताइए कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। और क्वेश्चन नंबर 8, एक आदमी ईस्ट में चल रहा था और ईस्ट में जाते जाते उसने 4 बार राइट ले लिया, बताइए कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। और क्वेश्चन नंबर 9, एक आदमी साउथ ईस्ट में जा रहा था और साउथ ईस्ट में जाते जाते उसने 4 बार लेफ्ट ले लिया, बताइए कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। पहले खुद से ट्राई करना है, सब कुछ खुद से ट्राई करना है, जितना खुद से ट्राई करोगे उतना ही आपके समझ में आएगा। पूरा क्वेश्चन बहुत ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए जरा। चलिए एक एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन करते चलता हूं, बहुत ध्यान से उसे समझिए। देखो नॉर्थ में चल रहा था, एक राइट और एक लेफ्ट कैंसिल हो गया, बचा क्या, 2 बार राइट। अब नॉर्थ से 2 बार राइट लेने का मतलब देखो, एक बार राइट का मतलब 90 डिग्री, दूसरी बार राइट का मतलब 90 डिग्री, मतलब सब मिला के कितना, 180 डिग्री। अच्छा 180 डिग्री मतलब क्या हो जाता है भाई, 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का मतलब एकदम अपोजिट। तो ध्यान दो कि अगर 2 बार राइट या फिर 2 बार लेफ्ट लेने के लिए बोला जाए
तो सीधे सीधे अपोजिट में पहुंच जाते हो आप। जैसे मैं इस डायरेक्शन में खड़ा हूं, पहली बार राइट लिया मैंने, दूसरी बार राइट लिया, मैं किधर पहुंच गया भाई, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो दो बार राइट और दो बार लेफ्ट का मतलब 180 डिग्री, और 180 डिग्री मतलब क्या, अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाना। तो नॉर्थ से दो बार राइट का मतलब एकदम अपोजिट हो जाना। तो नॉर्थ का अपोजिट क्या बनता है भाई, साउथ बनता है। क्या बनता है, नॉर्थ का अपोजिट साउथ बनता है, ठीक है, समझ लीजिए। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 को जरा चेक करो। नॉर्थ ईस्ट से चल रहे थे, दो बार लेफ्ट, एक बार राइट, फिर से लेफ्ट, तो एक राइट एक लेफ्ट तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, दो बार लेफ्ट। और दो बार लेफ्ट का मतलब कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री, और 180 डिग्री मतलब क्या, सीधे अपोजिट। तो दो बार लेफ्ट लेने का मतलब अपोजिट हो गया। तो नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट चेक करो, उधर कॉर्नर में नॉर्थ ईस्ट है, उसका अपोजिट क्या है, साउथ वेस्ट है। या फिर डायरेक्ट यहीं से अपोजिट करो, नॉर्थ का अपोजिट होता है साउथ और ईस्ट का अपोजिट होता है वेस्ट, ठीक है, समझ गए बात। क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान दो। ईस्ट में चल रहे थे और तीन बार राइट लेना है। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पे आप सीखोगे, बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। मैंने कहा ना कि चीजें आसान है उस पर ध्यान मत दो, आसान भी होनी चाहिए और बहुत फास्ट होना चाहिए। क्विक आंसर जब आपको मिलना शुरू हो जाएगा ना, तब मान के चलो कि यार आप कंपटीशन के लायक बन रहे हो। आई बात समझ में। चलिए, ईस्ट से चल रहा था, तीन बार राइट, तो तीन बार राइट का मतलब होता है कितना डिग्री घूमना, पता है, 90 90 90, मतलब 270। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझो। तीन बार राइट, तीन बार लेफ्ट का क्या मतलब होता है, देखो टोटल तो 360 घूमना है ना। मान लो नॉर्थ में आप इधर हो, एक बार 90 घूमोगे तो इधर पहुंच जाओगे, फिर से 90 घूमोगे तो इधर पहुंच जाओगे, और एक बार फिर से 90 घूमोगे तो यहाँ पहुंच जाओगे। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र तय कर रहे हो आप, तब जाके 270 डिग्री हो रहा है ना। तीन बार राइट लेने का मतलब 270 डिग्री। तो मैं इतना लंबा घूम के क्यों आऊँगा, मैं एक बार उल्टा क्यों ना घूम जाऊँ। तीन बार राइट लेने का मतलब जो 270 डिग्री मुझे सीधा चलना है, तो मैं 90 डिग्री उल्टा चल जाऊंगा ना, तो यहाँ पे पहुँच जाऊँगा मैं। समझ रहे हो आप मेरी बात, कि उतना लंबा डिस्टेंस कवर करने से अच्छा है कि मैं उल्टा चल लूँ, कितना, 90 डिग्री, ठीक है। तो जब भी तीन बार राइट चलने को बोला जाए, तो इसका मतलब एक बार लेफ्ट ले लो। तीन बार सीधा घूमने से अच्छा है ना कि एक बार लेफ्ट घूम जाओ, पहुँच जाओगे डेस्टिनेशन पर। वैसे ही अगर तीन बार लेफ्ट लेने के लिए बोला जाए, तो सीधे सीधे एक बार क्या ले लो, राइट ले लो, क्योंकि कितना चलना भाई, 270 डिग्री सीधा चलने से अच्छा है कि 90 डिग्री उल्टा चल लो, काम हो जाएगा, ठीक है। तो तीन बार राइट का मतलब एक बार लेफ्ट चल लो, और तीन बार लेफ्ट का मतलब एक बार राइट चल लो, ठीक है। तो तीन बार राइट लेके 270 डिग्री चलने से बेटर है कि एक बार आप उल्टा चल लो, 90 डिग्री हो जाओ, ठीक है, एक बार लेफ्ट चल लो भाई। तो ईस्ट से लेफ्ट, वो जो ईस्ट है, ईस्ट से लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज ऊपर जाओगे, कौन से डायरेक्शन में पहुंच जाओगे, नॉर्थ में पहुंच जाओगे। कहां पहुंच जाओगे भाई, नॉर्थ में। चेक कीजिए, जरा चेक कीजिए बहुत अच्छे से। वैसे ही क्वेश्चन नंबर सेवन को देखो जरा। साउथ वेस्ट से चल रहे थे, तीन बार लेफ्ट लेना है। तीन बार लेफ्ट का मतलब 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। तो इससे बेटर है कि एक बार राइट ले लो आप, एक बार राइट लेने का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम लो। 270 उल्टा घूमने से अच्छा है कि एक बार सीधा घूम लो, हो जाएगा। तो साउथ वेस्ट से राइट ले लो। साउथ वेस्ट कहाँ है भाई, ज़रा खोजो, ये है साउथ वेस्ट, ठीक है। उससे 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमो, तो साउथ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाओगे ना, तो देखो यहाँ से पहुँच जाओगे 90 डिग्री इधर, कौन सा डायरेक्शन आ गया, नॉर्थ वेस्ट आ गया। क्या आ गया भाई, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। देखो कितना आसान बन रहा है, चीज़ें कितनी आसान होती जा रही हैं। जो डायग्राम मास्टर हैं, जिनको डायग्राम बनाने का बहुत शौक़ है, देखो आप बिल्कुल ये मत सोचो कि सर मैं तो डायग्राम से बहुत आसानी से कर सकता हूँ, कभी मत सोचो। आसानी से करना और सबसे ज़्यादा फास्ट करना, दो अलग अलग चीज़ें भाई।
आसानी से करने वालों का सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन उनका होता है जो सबसे ज़्यादा फास्ट एक्यूरेट आंसर कैलकुलेट करता है। ठीक है, अब ऐसा थोड़ी कि जब आप टिक करते हो तो उसमें लिख के आता है कि ओहो हो मैंने तो डायग्राम बना के ड्रॉ किया। नहीं, डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। ईस्ट से चलना है और चार बार राइट लेना है। चार बार राइट लेने का मतलब क्या हो गया भाई? 360 डिग्री पूरा घूम जाना। तो अगर कोई आदमी 360 डिग्री पूरा घूम जाएगा तो उसका डायरेक्शन तो चेंज ही नहीं होगा। तो नोट कीजिए कि चार बार राइट या फिर चार बार लेफ्ट लेने का मतलब होता है नो चेंज। क्या होता है भाई? नो चेंज होता है। चार बार राइट चार बार लेफ्ट लेने का मतलब नो चेंज। क्यों? क्योंकि कितना डिग्री घूम रहा है वो? 360 डिग्री। तो चार बार राइट लेने का मतलब कोई चेंज नहीं होगा, आपका डायरेक्शन क्या होगा? ईस्ट ही होगा। और नाइन्थ वाला चेक कीजिए कि साउथ ईस्ट से चल रहे थे और चार बार लेफ्ट ले लिया। चार बार लेफ्ट का मतलब कितना डिग्री घूमना? 360 डिग्री घूमना। तो 360 डिग्री घूमने का मतलब नो चेंज है सर। कहाँ जाओगे आप? साउथ ईस्ट में ही जाओगे। ध्यान से सब कुछ लिख लीजिए। देखो कितना आसानी से होता चला जा रहा है। अब मैं क्यों डायग्राम ड्रॉ करूँगा भाई, जब चीज़ें मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो रही हैं, उसके साथ साथ बहुत फास्ट हो रही हैं, तो मैं डायग्राम ड्रॉ करने के चक्कर में क्यों पढ़ूंगा? मुझे मेरा एक एक सेकंड भी बचाना है एग्ज़ाम में। ठीक है, क्योंकि लिमिटेड टाइम है ना, वहाँ पे एक सेकंड दो सेकंड बचा बचा के ही तो बाकी कुछ आप बड़े क्वेश्चन के लिए टाइम निकाल सकते हो। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, दो क्वेश्चन और करवाता हूं मैं आपको। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोनों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, समझिए। अब डायग्राम ड्रॉ करने वाले इसका आंसर दे के बताएं तो मैं मान जाऊं कि नहीं नहीं भाई, डायग्राम मास्टर बहुत बहुत तेज है, उनको भी आंसर मिल रहा है। आप अगर डायग्राम से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो आपका भ्रम मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, देखना। क्वेश्चन नंबर 10 जैसे ही लिखूँगा ना, तुमको बहुत मज़ा आ जाएगा कि अरे सर क्या कर रहे हो ये। एक आदमी नॉर्थ में जा रहा था। ठीक है, अब जाते जाते उसने 300 बार राइट लिया और 200 बार लेफ्ट लिया, तो बताइए कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। और क्वेश्चन नंबर 11 कि एक आदमी ईस्ट में चल रहा था और रास्ते में 225 बार उसने राइट लिया, ठीक है, 225 बार राइट लिया और 200 बार लेफ्ट लिया, बताइए कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। अब डायग्राम ड्रॉ करने वाले, ज़रा ड्रॉ करो, 300 बार राइट का डायग्राम ड्रॉ करो, 200 बार लेफ्ट का डायग्राम ड्रॉ करो, कितना घूमोगे भाई? 200 बार राइट ड्रॉ करते करते तुम्हारा तो एग्ज़ाम का टाइम ही चला जाएगा, समझ रहे हो? तो समझते हैं कि कैसे करना है। ज़रा कंसेप्ट मैं आपको बता दूँ। कंसेप्ट ये है कि अभी अभी हमने सीखा कि चार बार राइट लेने का मतलब नो चेंज होता है। तो समझो मेरे दोस्त, अगर चार बार राइट लेने का मतलब नो चेंज होता है तो आठ बार राइट लेने का मतलब क्या होगा? तब भी नो चेंज होगा, क्योंकि चार बार घूमो फिर चार बार घूमो। 12 बार राइट लेने का मतलब तब भी नो चेंज होगा। 16 बार राइट लेने का मतलब तब भी नो चेंज होगा। 40 बार राइट लेने का मतलब तब भी नो चेंज होगा। अच्छा, 100 बार राइट लेने का मतलब तब भी नो चेंज होगा। 300 बार राइट लेने का मतलब तब भी नो चेंज होगा। क्यों? क्योंकि ये सारे नंबर 4 के मल्टीपल में आ रहे हैं, 4 के टेबल में आ रहे हैं, ठीक है, 4 के पहाड़े में आ रहे हैं। तो 4 बार का मतलब अगर नो चेंज है तो 4 के मल्टीपल में जितने भी नंबर आए उतनी बार अगर राइट ले लो, चाहे आप उतनी बार लेफ्ट ले लो, तब भी तो नो चेंज होगा ना। आई बात समझ में? वैसे ही समझो कि 300 बार राइट और 200 बार लेफ्ट लेना है उसको,
तो ये 200 बार लेफ्ट इसके 200 बार राइट से कैंसिल हो जाएगा। क्या बोला मैंने, ये 200 लेफ्ट इसके अंदर के 200 राइट को कैंसिल कर देगा, बचेगा क्या सिर्फ 100 बार राइट बचेगा। अब कोई आदमी नॉर्थ से चले और 100 बार राइट ले ले, 100 बार राइट लेने का मतलब क्या, 100 बार राइट लेने का मतलब नो चेंज सर, वो 4 बार घुमा फिर 4 बार घुमा ऐसे ही 100 बार घूम जाएगा ना वो, तो नो चेंज जाएगा क्योंकि 100 4 के मल्टीपल में आता है। तो 100 बार राइट लेने का मतलब भी क्या हो गया, नो चेंज हो गया। तो नॉर्थ से 100 बार राइट लेने का मतलब कोई चेंज नहीं होगा, आपका डायरेक्शन कहाँ जाएगा भाई, नॉर्थ में ही जाएगा। लिख लीजिए बहुत ध्यान से और देखिए कितने आसानी से हो जा रहा है, डायग्राम कहाँ कहाँ ड्रॉ करते फिरोगे। क्वेश्चन नंबर 11, सेम कंसेप्ट है, यहाँ का 200 लेफ्ट इसके अंदर के 200 राइट को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, बचा क्या सिर्फ 25 टाइम राइट बचा, यही बचा ना, 25 टाइम राइट बचा। मुझे पता है कि सर जब चीज़ें 4 के मल्टीपल में होती हैं तो चेंज होना ही नहीं है, 25 बाई टाइम राइट का मतलब है कि 24 बार राइट प्लस वन टाइम और राइट, ये 24 बार राइट और एक बार और राइट मतलब सब मिला के 25 बार राइट हुआ ना, तो ये 24 टाइम राइट का मतलब क्या होता है, नो चेंज, क्योंकि वो 4 के मल्टीपल में आ गया। जैसे 8 बार का मतलब नो चेंज था, 16 बार का मतलब नो चेंज था, वैसे 24 बार राइट लेने का मतलब क्या, नो चेंज। तो यहाँ 24 बार तक जब जाएगा तो कोई चेंजेस होगा ही नहीं, बचा क्या सिर्फ एक बार राइट और लेना बस आपको। तो ईस्ट से एक बार राइट ले लो, ईस्ट का डायरेक्शन वो है, वहाँ से एक बार राइट मतलब क्लॉकवाइज घूमोगे आप 90 डिग्री, तो कहाँ पहुँच जाओगे ईस्ट से 90 डिग्री पे, साउथ में, यानी आपका आंसर हो जाएगा साउथ। आई बात समझ में, टाइप वन हमारा ख़त्म हो गया। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि टोटल 7 टाइप होंगे और किसी भी टाइप में आपको डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ एक टाइप ऐसा है जिसमें कुछ जगह पे डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत है, बाकी कहीं भी डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट डायग्राम डायरेक्शन और डिस्टेंस के 2 या फिर 3 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। क्लास में सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि मुझे सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए और मेरा आंसर आ जाना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो मेरी क्लास में मैं इसलिए पढ़ाता हूँ कि सेकेंडरी मोटो ये है कि आपको आसानी से समझे और आप आंसर निकाल पाए। प्राइमरी ये होता है मेरा कि आपको वो मेथड में पढ़ाऊँ जो बाकी लोगों से जल्दी आंसर आपको दे, क्योंकि भाई कंपटीशन वही है, कंपटीशन में लोग पूरी ताकत लगा के जितना फास्ट भाग सकते हैं ना उतना फास्ट भागते हैं, और सिलेक्शन भी उन्हीं का होना है जो सबसे तेज भागता हो। यहाँ कोई क्राइटेरिया थोड़ी फिक्स कर दिया गया है कि इतना मार्क्स लाना है सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, यह तो मेरिट है ना भाई, सबसे तेज भागोगे तभी सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो मेरे क्लास में मैं वही डिस्कस करने की कोशिश करूँगा जो सबसे फास्ट एक्यूरेट आंसर आपको दे। आई बात समझ में, तो ये था हमारा टाइप वन, बहुत ध्यान से लिख लीजिए। बच्चों अगर आप भी बैंक, एसएससी या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप मैथ्स और रीजनिंग के हर क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड में सॉल्व कर पाएं, आप अगर चाहते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन आपका बहुत स्ट्रांग हो जाए, आप अगर चाहते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग का आपका स्कोर अच्छा खासा हो जाए और मैथ्स और रीजनिंग बिल्कुल जीरो से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ना चाहते हैं, तो बच्चों आज ही प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है एप्टीट्यूड मैटर्स। बच्चों वहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग की कुछ क्लासेस मैंने फ्री में रखी हुई हैं, आप देखिए और आज ही हमसे जुड़िए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।